Hello friends, welcome to self-made tutorial. Today we shall discuss in this session classification of chordata. Okay? और इसके previous video में हम लोगों ने पढ़ा non-chordate versus chordate. Okay? तो ये जो video है, इससे related video पहले भी upload किया जा चुका है, लेकिन वो क्या था? white board पे पढ़ाया गया था. तो बहुत सारे request हैं कि ma'am copy पे नोट्स अवेलेबल कराने के लिए. तो आज मैं इसीलिए आप लोगों की इच्छा अनुसार, कमेंट के अनुसार रिकॉर्डिंग, मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डाटा का फिर से रिटेन नोट्स दिखा रही हूँ. सो कॉर्डाटा हैज बीन डिवाइडेड टू पार्ट्स, एक क्रैनिया एंड सेकेंड वन क्रैनिएटा. एक क्रैनिया एंड ऑल्सो नोन एज प्रोटो कॉर्डाटा एंड यूरो कॉर्डाटा. ओके, एंड इसी को लोअर कॉर्डेट्स भी बोलते हैं और इसको हायर कॉर्डेट्स बोलते हैं. ओके, एक क्रैनिएटा मीन्स जिसमें जिस एनिमल्स में जो होते हैं हेड नहीं पाए जाते हैं. ए मीन्स अब्सेंट, अ मीन्स अब्सेंट, एंड क्रैनिया मीन्स हेड. जिस एनिमल में हेड अनुपस्थित हो, अब्सेंट हो, उसे एक क्रैनिया ग्रुप में रखा गया है. और जिसमें क्रैनिएटा विथ हेड, जिसमें हेड उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसे क्रैनिएटा ग्रुप में रखा गया है. तो ये जो है कॉर्डाटा, जो फाइलम है, और ये क्या है आपका ग्रुप है, क्योंकि दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है बेसिस ऑफ क्रैनिया. ओके, इसे ऑल्सो नोन एज प्रोटो कॉर्डेट, लोअर कॉर्डेट्स. देखिए, फिर दोनों ग्रुप को सब फाइलम में डिवाइड किया गया है. प्रोटो कॉर्डेट्स को, प्रोटो कॉर्डेट्स मीन्स फर्स्ट प्री कॉर्डेट, मीन्स फर्स्ट ऐसे कॉर्डेट्स हैं जो जिनमें फिस्ट कॉर्ड जो होती है वो उपस्थित थी, और ये जो है प्री कॉर्डेट्स हैं. तो सब फाइलम जो हो गया इसका हेमी कॉर्डेट, यूरो कॉर्डेट एंड सिफेलो कॉर्डेट. ओके, और इसे डिवाइड किया गया, इसके अंतर्गत केवल ओनली वन सब फाइलम है, वर्टिब्रेटा. ओके, तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं एक क्रैनिएटा का सब फाइलम हेमी कॉर्डाटा. हेमी कॉर्डाटा क्या है? ये जो है नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट्स के कनेक्टिंग लिंक किसी का, और इट्स नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट. ओके, हेमी कॉर्डेट को दो तीन भागों में डिवाइड किया जाता है. इसके तीन पार्ट होते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. तो इसका जो, इसमें जो क्या होता है, नोटोकॉर्ड्स जो उपस्थित होता है बस प्रोबोसिस में होती है. ओके, यूरोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड ओनली इन टैडपोल लाइक लार्वा. ओके, इन टेल, ये जो होता है इसमें लार्वा होता है, जो वो होता है नोटोकॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड जो होते हैं सिर्फ टैडपोल लाइक लार्वा में ही पाए जाते हैं, ओनली सिर्फ टेल रीजन में. ओके, सेफेलोकॉर्डेट जो है ये है नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रॉट आउट लाइफ along entire length of the body. इसमें क्या होता है, इसमें जीवन अजीवन, जीवन पर्यंत रहता है इसमें नोटोकॉर्ड, और क्या होता है इंटायर बॉडी पार्ट में होता है, मीन्स हेड से लेकर टेल तक एक्सटेंडेड रहता है. ओके, इसका एक ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है सिफेलोकॉर्डेट का. इसके एग्जाम्पल है एम्फियक्सिस एंड ब्रैंकियोस्टोमा. तो इसमें जो क्या होती है कॉर्डेट्स जो होते हैं बहुत कम समय के लिए होते हैं, इसमें जो होती है अपनी अपनी एक लिमिट होती है, उसके अनुसार उनमें कॉर्डेट पाए जाते हैं. लेकिन वर्टिब्रेट क्या होता है, इसमें ट्रू कॉर्डेट्स पाए जाते हैं, नोटो कॉर्ड पाए जाते हैं. मैं आप लोगों से, आप लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है आप ऐसे बोल सकते हैं की पॉइंट है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी. दैट इज जो ये है कि सारे वर्टिब्रेट जो हैं कॉर्डेट होते हैं. आप लोगों को जैसे पता होगा कि कॉर्डेट्स को वर्टिब्रेटा भी बोला जाता है, कॉर्डाटा को वर्टिब्रेटा एंड नॉन कॉर्डेट्स को नॉन वर्टिब्रेट. तो एक बात ध्यान रखिए कि सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट होते हैं. ओके, सारे ऑल वर्टिब्रेट इज नोन एज कॉर्डेट, बट सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं होते. ओके, वर्टिब्रेट क्या होता है, इसमें ट्रू नोटोकॉर्ड पाया जाता है, और सारे कॉर्डेट्स में
ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं पाए जाते, मींस किसी के कम समय के लिए, किसी के लाइफ में कम समय के लिए होता है, और किसी का जो है अपना यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, दैट्स वाई बोला जाता है कि सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स नहीं हो सकते, कॉर्डेट होते हैं लेकिन सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते। ओके तो ये जो है बहुत की पॉइंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके मेक ए पॉइंट ऑफ इट। ओके चलिए पढ़ते हैं अब। क्रैनिएटा विथ हेड, इसे यू कॉर्डाटा भी बोलते हैं और हायर वर्टिब्रेट भी बोलते हैं। तो इसके जो सब फाइलम है, ओनली वन सब फाइलम, इट इंक्लूड्स ओनली वन सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ओके एंड वर्टिब्रेटा हैज बीन डिवाइडेड टू डिवीजन, एग्नाथा एंड नैथोएस्टोमाटा। एग्नाथा मीन्स ए मीन्स एबसेंट एंड नैथा मीन्स जॉ, विदाउट जॉ एंड विद जॉ। ओके नैथोएस्टोमाटा जो होते हैं विद जॉ होते हैं, मीन्स इसमें जॉ उपस्थित होता है और इसमें एबसेंट होता है। इसके अपेंडेजेस जो होते हैं पेयर्ड अपेंडेजेज होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और इसमें क्या होता है पेयर अपेंडेजेज एबसेंट होते हैं, इसमें अनुपस्थित होती है। ओके और इसमें जो होती है उपस्थित होती है, ये जो उपांग होते हैं वो बोला जा रहा है यहाँ पे। फिर से एग्नाथा को इट हैज़ बीन डिवाइडेड टू क्लास। ओके ऑस्ट्रैकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमाटा। तो ऑस्ट्रैकोडर्मी वर्ल्ड फर्स्ट वर्टिब्रेट। ओके ये जो है वर्ल्ड के फर्स्ट वर्टिब्रेट हैं जो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी विलुप्त हो चुके हैं। और साइक्लोस्टोमाटा जो है सर्कुलर माउथ, इसके जो स्ट्रक्चर है यूनिक स्ट्रक्चर सॉरी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है वो है सर्कुलर माउथ। इसका जो साइक्लोस्टोमाटा जो होता है इसका माउथ जो होता है सर्कुलर होता है। इसके एग्जाम्पल हैं पेट्रामाइजोन। ओके तो ये है एग्नेथा के क्लासेस। एंड अगेन नैथोएस्टोमाटा को डिवाइड किया गया है टू सुपर क्लास में, देखिए विथ जॉ। तो चलिए इसके सुपर जो इसे डिवाइड किया, इट हैज बीन डिवाइडेड टू सुपर क्लासेस। नैथोएस्टोमाटा फर्स्ट वन इसका सुपर क्लास है पाइसिस, एंड सेकेंड वन टेट्रापोडा। ओके तो इसमें क्या है पाइसिस पेयर्ड फिन्स, यही जो है अपेंडेजेज है ये उसमें जो है पेयर्ड सॉरी इसमें तो एबसेंट होता है, सॉरी वन सेकेंड यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया हमसे, सॉरी यहाँ पे जो होता है एबसेंट होता है। ओके यहाँ पे इसमें जो होते हैं पेयर्ड अपेंडेजेस जो होते हैं एबसेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके इसके दो सुपर क्लास हुए पैसेज एंड टेट्रापोडा पेयर्ड फिन्स, एंड इसमें जो होता है पेयर्ड लिम्स होता है, इसमें फिन्स नहीं पाए जाते हैं। और रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, इसमें जो होता है रेस्पिरेशन जो होता है पाइसिस का गिल्स के थ्रू होता है, ये एक्वेटिक होते हैं और ये जो होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं, और इसमें रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स के थ्रू होता है। फिर इसे क्लास में डिवाइड किया गया है सुपर क्लास को, क्लास में थ्री क्लास हैं इसके, प्लैकोडर्मी कॉन्ड्रिक्टिज एंड ऑस्टिक्टिज। प्लैकोडर्मी जो हो गए एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब विलुप्त हो चुके हैं, और कॉन्ड्रिक्टिस जो है ये जो है इसे इसे कार्टिलेजिनस फिशेज भी कहा जाता है, और इसके अंतर्गत डॉग फिश आते हैं स्कॉलिन स्कॉलियोडन। इनके इंडो स्केलेटन जो होते हैं कार्टिलेजिनस होते हैं, यानी कार्टिलेज उपास्थिल अधिकांश उपास्थिल होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। और ऑस्टिक्टिज क्या होता है, ऑस्टिक्टिज इसे बोनी फिशेज भी कहा जाता है। ओके इसके अंतर्गत लोवियो रोहू आप सुने होंगे वही है, और इसके जो इंडोस्केलेटन होते हैं ज़्यादातर अधिकांशतः मोस्टली बोनी होते हैं, इसीलिए इसे ऑस्टिक्टिज कहा जाता है। ओके तो कॉन्ड्रिक्टिज एंड ऑस्टिक्टिज एंड प्लैकोडर्मी। नेक्स्ट क्लास है सुपर क्लास है, सेकेंड है टेट्रापोडा। पेयर्ड लिम्स यानी अपेंडेजेस जो हैं रेस्पिरेशन आप तो बता चुके हैं, इसको फोर ग्रुप में डिवाइड किया गया क्लास में, सॉरी फोर क्लास में, एम्फीबिया रेप्टीलिया एविज एंड मैमल्स। इसके अंदर फ्रॉग टोड ये सब आ जाएंगे, लीजर्ड स्नेक टर्टल टर्टोइज एविज आ जाएंगे, एविज में बर्ड्स आ जाएंगे, एंड मैमल्स मैन मंकी हॉर्स एलिफेंट ये सब आ जाएंगे। ओके तो ये हैं आपके कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन, चलिए मैं आपको एक बार फुल्ली दिखा देती हूँ। देखिए ये जो है आउटलाइन है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डाटा का, आप लोग बना लीजिए इसका। और ये जो है नैथोस्टोमाटा प्रीवियस पेज का है, मेरे पास पेज की स्कार्सिटी थी, मतलब
स्पेस की कमी थी, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे बनाया अलग से। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो अदरवाइज आप एक ही पेज पे अपना बना सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो। सो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, लाइक करना ना भूलें। ओके, क्योंकि आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही मैंने इतने मेहनत से आप लोगों के लिए डायग्राम बनाया है। ओके, एंड शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कॉर्डेटा से रिलेटेड बहुत सारे नॉलेज, मतलब और भी सारे जो पॉइंट है, की पॉइंट है, पिछले वीडियो में जो बहुत पहले अपलोड किया जा चुका है उसमें बताया गया, जो व्हाइट बोर्ड पे बताया गया था, इसमें सिर्फ कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।